गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियेश आनंद और अभी हो गया है सुबह। हम लोग रात में सो नहीं पाए प्रॉपर, अच्छे से मतलब सो नहीं पाए बिकॉज ठंड था और चादर बहुत पतला था। तो मुझे लगता कोई भी नहीं सोया, हम में से कोई भी नहीं सोया, सबको ठंड लग रही थी। और मैं सच बताऊँ तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मुझे ठंड लग रहा था तो एक मन कर रहा था कि यार जाके मैं स्वेटर पहन लूँ, फिर लग रहा था यार छोड़ दे, ऐसा वाला वाइब आ रहा था मेरे को। इसको बोलते हैं आलसीपन, बट कुछ नहीं कर सकते, ठंड में ऐसा होता ही है। हिम्मत नहीं होती उठ के वहाँ तक जा सको और स्वेटर वगैरह या कुछ भी लगा सको, ठंड का ऐसा ही सीन होता है। तो वही हुआ, सबके साथ ही वैसा ही हुआ है आज का, अभी मतलब कल का। अब आज का देखते हैं क्या होगा सीन। मैं लिटरली बताता हूँ, आज तो ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे आज रहे हैं ना, वैसे तो नहीं हो पाएगा। आज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आज का सीन देखना पड़ेगा कि हम लोग आज कैसे सोएंगे, क्योंकि इतना पतला ब्लैंकेट है कि भाई ठंड तो नहीं जा सकती उससे। वो नीचे जो बिछाते हैं ना वो वैसा है, आप लोग को शायद दिखाया नहीं था, आज दिखा दूंगा। और सबका तो आज वैसे ही रहा है, ये लोग तो 3-3 बजे तक पता नहीं चिल्ला ही रहे थे, सोया तो 3 बजे के बाद ही है और उठ गए 6 बजे के आसपास, फ़ोन बजना स्टार्ट हो गया ड्रिंग 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 ड्रिंग। तो अभी हम लोग जैसे जा रहे हैं, सबको सब आगे में, ओ पीछे तूफान है शायद, तो सब आगे। अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, गाड़ी आए हुए हैं, फिर यहाँ से हम लोकेशन में जाएंगे। मैं तो लेट भी जा सकता था बिकॉज मेरे को अभी वहाँ पे कोई काम नहीं है, बट फिर मैंने सोचा कि यार सब जा रहे हैं अपन भी साथ में चलते, क्या करेंगे अकेले बैठ के। अभी हम लोग सब चाय पीने आए, यहाँ पे एक होटल है मतलब रोड के जस्ट साइड में, हम लोग वहीं पे आए चाय पीने के लिए और नींद तो बहुत अच्छी गई सबकी। तो अभी चाय पी के फटाफट यहाँ से निकलेंगे और धूप आ गया, अंदर रूम में तो पता नहीं चल रहा था कुछ भी, बट बाहर आने के बाद पता चला कि धूप आ चुका है, मतलब आज भी दोपहर तक बहुत गर्मी होने वाली है, अगेन फिर शाम होगा फिर बहुत ज़्यादा ठंडी होने वाली है आज और कल। हम लोग परसों दोपहर तक यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, तो आज अभी वहाँ चलेंगे रिजॉर्ट पे चलेंगे और वहाँ जाके देखेंगे आज का क्या सब प्रोग्राम है, लोकेशन डेकोरेशन सब कुछ देख लेंगे आज अपन। किस्मत इतना ख़राब है कि भाई चाय भी बहुत अच्छा मिला, इतना अच्छा मिला कि सबने छोड़ दिया, सबका मूड फिर से कचड़ा हो गया। इतना अच्छा अच्छा चाय मिला आज, सुबह का दिन भी चाय के साथ अच्छा जाना चाहिए था, वो भी नहीं गया। अभी जा रहे हैं हम लोग रिजॉर्ट, अब चाय बहुत अच्छा मिला। रिजॉर्ट आ गए, पीछे देख पा रहे होंगे त्रिमूर्ति रिजॉर्ट जहाँ पे आना था यहाँ पे आ गए, बट हम लोग को चाय पीना है तो पहले अभी हम लोग चाय पियेंगे उसके बाद ही जाएंगे। देखो चाय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सुबह अगर चाय नहीं मिलता ना, एक होता है ना आदत और चाय इस प्यार, तो चाय पीने के बाद ही कुछ भी काम होगा। तो अपन अभी फटाफट चाय पी लेते हैं, यहाँ पे आए हैं अभी ये वाले होटल में, अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा मिलता है, वहाँ तो बहुत ही बेकार मिला, अभी यहाँ ये चाय हम पी के आपको बताएंगे कैसा लगा। हाँ वहाँ पे तो मत ही पूछो। अभी हम लोग आ गए हॉल जहाँ पे आज लड़के की साइड से मतलब हल्दी होने वाला है, ये देखो ये है वो हॉल, ये लड़के के साइड का है जहाँ आज यहाँ यहीं पे हल्दी होने वाला है। तो आप लोग को और अंदर से अच्छे से दिखाता हूँ आज, मतलब अभी हॉल तो बहुत बड़ा है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा साइड लेते गणपति बप्पा मोरिया, कैसा लग रहा है आप लोग को? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह गणपति बप्पा को भी देख लिया, वो भी और अच्छा ही लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को भी कैसा लगा है। तो ये लड़के का साइड का, अभी लड़की के साइड भी जाएंगे, वहाँ भी जाके देख लेंगे अपन। तो मैं अभी लड़की वालों के साइड आ गया हूँ, कल जहाँ पे आया था, और इधर का गेट का डेकोरेशन चेंज हो गया है कम्प्लीटली, अगेन गणपति बप्पा मोरिया। अब ऊपर चलते हैं हॉल में, वहाँ पे कैसा डेकोरेशन हुआ है वो भी देख। इधर थोड़ा सा अंधेरा होगा बिकॉज इधर लाइट थोड़ी कम है, तो कोई बात नहीं आप लोग देख ले। अभी हॉल देखते हैं हॉल में कैसा तैयारी चल रहा है। तो गाइज ये है हॉल जहाँ पे कल भी अपन आए थे, बट ये अभी डेकोरेशन इसका देखो पूरा ही चेंज हो चुका है, ये देखो पूरा डेकोरेशन चेंज हो गया, ये थोड़ा अभी और थोड़ा सा डेकोरेट हो ही रहा है, मतलब थोड़ा क्लीन व्लीन हो रहा है, और ये पूरा डेकोरेशन है हॉल का देखो पूरा ही है। इसका और अच्छा लग रहा है कल वाले से, मेरे को आज वाला ना और अच्छा लग रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ लड़कों वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ से उनका काम, अभी लड़के वालों के यहाँ जा रहा हूँ त्रिमूर्ति होटल रिजॉर्ट, और यहाँ से निकल के विनायक से निकल के उधर जा रहे हैं। अभी वहाँ पे जाके देखते हैं क्या क्या शूट करने के लिए बचा है, वो भी ले लेंगे। वेलकम गेट वगैरह भी हो गया, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। अभी मैं टोटो में जा रहा हूँ बिकॉज कल रात में क्या हुआ, हमारी गाड़ी खड़ी थी और अपने आप ही उसका शीशा टूट गया, पता नहीं क्या आवाज़ किया
सारे गेस्ट लोग थे, 15-16 लोग थे, उनके बीच में बीमारी खड़ा था और अपने आप ही कुछ आवाज़ किया और सीधा टूट गया बैक ग्लास पूरा। तो समझ नहीं है असल में हुआ क्या। तो अभी अप एंड डाउन जो है उधर का अपन टोटो में ही कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी है नहीं। सेरेमनी हो गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत ठंडा लग रहा था लेकिन लड़के को लास्ट में ना लगेगा यार ठंडा पानी है, बट बाहर अभी धूप है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ आते ही सब कुछ ठीक हो जाना है। बट सब कुछ हो गया, फोटोज़ ले लिए, वीडियोज़ ले लिए, सब कुछ ले लिया। अभी आगे का देख लेते हैं क्या क्या है सीन। अभी बहुत मज़ा भी आ रहा है, अभी डेकोरेशन का और पता नहीं क्या क्या बताया। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। दोनों एयरफोन लगा के पता नहीं कितने मज़ा कर रहे, कितने मज़े कर रहे क्या, कितने मज़े कर रहे। अरे हम देख के ज़्यादा मस्ती नहीं किया, इतना काफ़ी था। लेकिन देखो अपना खाना वाना सब कुछ हो गया ठीक है। और मेरे साथ आज एक अच्छा चीज़ हुआ, बताता हूँ क्या। मैंने अपना GoPro को रखा था ठीक है काफ़ी टाइम से, और आप लोग सुनते होंगे मैंने बताया था हर वीडियो में कि मेरा GoPro का ऑन ऑफ आवाज़ नहीं आता, और जब कोई भी आप वीडियो प्ले करोगे तो उसमें सुनाई नहीं देगा। बट आज क्या हुआ आप खुद सुन के देखो एक बार ठीक है। अपन GoPro ऑन करते हैं, आवाज़ आ गया ठीक है। और अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करोगे इसमें या ऑफ़ करोगे तो आपको आवाज़ सुनाई दे देगा ठीक है। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, बट मेरा GoPro अब ठीक हो गया है, पता नहीं कैसे 8 महीने से ज़्यादा लगे इसको ऐसा ख़राब होते हुए, और ये ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। ये ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ था और ऑटोमेटिकली ठीक भी हो गया। तो कुछ हुआ ना हुआ भाई ये चीज़ ठीक हो गया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और देखो सब कुछ कर लिया मैंने, लंच वंच जैसे मैंने आपको बताया, अभी कुछ क्या है अभी काम है। देखो क्लिप्स मिस बीच में हो जाते हैं बिकॉज काम रहता है तो अपन वीडियो ले नहीं पाते ठीक है। अभी एक हाथ से फोटो लेना एक हाथ से वीडियो लेना नहीं हो पाता इतना सब कुछ ठीक है। तो थोड़े थोड़े क्लिप्स मैच नहीं करते, अगर तो कोई बात नहीं, उसे इग्नोर ही करना। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ ठीक है। तो गाइज ये है वो अपना एंट्री गेट ठीक है, वहाँ पे जो लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं ये सारे वेलकम गेस्ट को वेलकम करने के लिए। बट अभी गेस्ट है नहीं और मुझे को लेट हो चुका है ये वाला शॉट लेते हुए, तो सारे गेस्ट आ चुके थे उस टाइम, मैं थोड़ा बिजी हो गया इसलिए मैं ले नहीं पाया। बट स्टिल देख लो ये ऐसा डेकोरेशन होकर रखा है। तो ये वेलकम गेट है इधर का, यहाँ पे ढोलक वोलक सब, जैसे कोई गेस्ट आएगा तो ढोलक एंड देन फ्लावर्स उनका लाइक वेलकम किया जाएगा, ऐसे बनाया गया इसे ठीक है। तो अभी वहाँ पे तो सब बैठे हुए हैं क्योंकि गेस्ट है नहीं, तो गेस्ट अगर अभी तो नहीं आएंगे, आई गेस 20 or 25 गेस्ट और आएंगे तब वापस से लिया जाएगा, मतलब ये लोग उनका वेलकम करेंगे। तो अगर मैं तब फ्री रहा तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा वेलकम कैसे हो रहा है यहाँ पे ठीक है। गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ रात का डेकोरेशन कैसा हुआ है ठीक है। आप लोग लाइक से समझ गए होंगे डेकोरेशन कैसा हुआ है, मेरे बैग से देखते जाओ। ये यहाँ पे सेल्फी ले सकते हो आप लोग इधर पे आके, ये इसका एंट्री गेट है। यस ये स्पॉट जलाओ, लेट्स गो। कुछ लाइट्स अभी भी लग रही हैं और लगना बाकी है अभी लाइट्स, मतलब कुछ कुछ लग रहा है, आई के लाइट्स भी कुछ कुछ जलना बाकी है। और ये है हमारा एंट्री गेट, ये देखो ये कुछ ऐसा है, इट्स कूल। और ये हमारा लाइक अंदर का हॉल का, आज है संगीत तो ये सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं यहाँ पे बैठने के लिए सही है। और ये बैक स्टेज है, अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ स्टेज। लाइट्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं और डेकोरेशन तो देखो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे डार्क डेकोरेशन बहुत अच्छे लगते हैं। तो ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ किया गया है एंड देखो लाइट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। अधिकतर ऐसे यही मतलब डार्क थीम के बैकग्राउंड्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं लाइक, और अधिकतर इवेंट्स में ब्लैक ही होता है। तो इधर भी आप यहाँ पे आके भी सेल्फी वगैरह ले सकते हो। तो लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है, तो डीजे लाइट्स है। मैं आपकी तरह ध्यान दे रहा था तो मेरा पैर कारपेट में लग गया, गिरते गिरते बचा मतलब थोड़ा सा। नवाना कैसा लग रहा है, इसका नाम है तूफान, तूफान या डेन डेन डेन, ये डेन 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 करके गाया वाले वाला। मेरे को नहीं पता आवाज आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बट गाना बज रहा है। एंड अभी तक मैं लड़कों वाले को फर्स्ट टाइम देखा डांस करते हुए ठीक है, फर्स्ट टाइम देखा डांस करते हुए। मैं भी थोड़ा डांस कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है, अभी बहुत मजा आ रहा है। शूट हो गया ऑलमोस्ट डन, आज का सारा काम खत्म, क्या बचा अभी? अभी पूल पार्टी। पूल पार्टी रात को नहीं होगा, कल होगा ना? कल होगा। अभी अभी हम लोग कुछ डेकोरेट करना है, मतलब सब मिलके करेंगे एक्चुअली, बिकॉज अभी बहुत लेट हो चुका है। और अगर डेकोरेट नहीं किया आज तो सुबह वो फंक्शन है, अभी ही करके जाना पड़ेगा, मतलब आज बहुत कम सोने वाले हैं सबको ही।
लेकिन सोएंगे जरूर, बिकॉज स्लीप इज इम्पोर्टेंट। सोएंगे जरूर लेकिन हाँ। एक देर बच जाएंगे लेकिन सोएंगे जरूर। लेकिन ठंडी बहुत है, कल रात का एक्सपीरियंस आज नहीं करना हम लोग को। वो चद्दर लिटरली बताओ ना, वो जैसे हम बिछाते हैं बेड में उतना पतला चद्दर था, और इस ठंड में इस जंगल के बीच में एक रिजॉर्ट, उसमें सोच के देखो आप लोग कि हम लोग को कैसा हुआ होगा। मैं तो इधर से उधर कर रहा था, ये लोग 3 बजे तक बात कर रहे थे, नींद एकदम नहीं आई और सुबह नहीं आया। फ्रेंड्स रहते हैं हम लोग साथ में तो कुछ अलग ही इंजॉय आता है। हाँ, और मैं इन लोगों से लाइक जस्ट जिस दिन शूट था मेरा मैं उस दिन ही मिला हूँ, और आपको पता है मैं फ्रैंक इंसान हूँ, तो और ये लोग भी वैसे हैं, तो अपन घुल मिल गए। अभी क्या है, मैं यार देखो मेरा सीन वही है, अगर मैं किसी और फ्रैंक हो जाऊँ तो आप लोग जानते हो मैं उनके साथ ही रहता हूँ, तो मैं ऑल द टाइम इन लोगों के साथ ही हूँ अपना। सुबह से लेकर मैं सुबह मैं चाहता मैं रेस्ट भी कर सकता था, बट ये लोग आ रहे थे तो मैं सोचा यार मैं रूम में अकेला क्या मैं बोर हो जाएगा, तो मैंने नहीं भाई मैं भी चल रहा हूँ, तब से मैं इनके साथ ही हूँ। अभी हम लोग साथ में रूम में जाएंगे, फिर मस्ती भी करेंगे। मैं यही कहता हूँ ना, देखो दोस्ती यारी ये सब क्या होता है ना यार, भाई लोगों में जल्दी हो जाती है, ये लड़की वाला फंडा नहीं होता है इतना ज़्यादा, तो ऐसे ही है लड़कों की लाइफ ऐसी ही है मज़ेदार वाली। और आप लोगों के साथ भी अपनी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, वो भी मुझे अच्छा लगता है ऐसे करके। ये पेन कर रहा है बिकॉज इतना भारी सा बैग है ना, इसमें लेंस वेंस सब कुछ है, इसको मैंने टांग रखा था सुबह से, अभी थोड़ा रिलीफ मिला है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है अपने को ये जो हॉल है यहाँ यहीं पर होगा ना, हाँ तो अभी यहीं पे कुछ रसम होता है आई गेस, वो भात का क्या कहते हैं ना वो वाला रसम बचा है, तो अभी वो सुबह होगा तो इसका डेकोरेशन हम लोग अभी कर लेंगे, उसके बाद फाइनली हम लोग सोने के लिए जा पाएंगे। ठीक है, गाना बंद हो गया, मुझे लगता है कॉपीराइट क्लेम नहीं आना चाहिए, बिकॉज सिर्फ कुछ कुछ सेकेंड का ही डांस का पार्ट मैंने लिया है ताकि कॉपीराइट से बच जाऊँ, मैं नहीं चाहता जो पैसे आ रहे हैं वो भी ना आए। ठीक है, तो अब देखते हैं आई का डेकोरेशन कैसे होता है, बिकॉज अभी तो कोई आया नहीं, हम ही 3 यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई भी नहीं आया, तो वेट करते हैं कब आए डेकोरेशन वाला, और जल्दी जल्दी कर दे, जितना जल्दी ये करेगा उतना जल्दी हम जा पाएंगे। देखो अभी टाइम आप लोग देख लो, अभी 10:02 हो रहा है, ठीक है 10:02 हो रहा है, इसको डेकोरेट करते करते नहीं भी तो 2-2.5 घंटा लगना ही लगना है, तो 1 बजे अपन जाएंगे सोने। और खाना भी खाना है, खाना भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया वो चाउमीन वगैरह खाया और कुछ भी नहीं खाया। और वहाँ पे व्लॉग मैंने आपको मैं उस टाइम बोला था, बट मुझे लगता है आप लोग को आवाज़ नहीं होगा, उस टाइम व्लॉग इसलिए नहीं बनाया बिकॉज गाना बहुत लाउड था और मैं बोलता शायद आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता, बट कॉपीराइट का क्लेम लग जाता उतनी देर में, तो क्योंकि मैं बोलूँगा आई गेस 10-20 सेकेंड से ज़्यादा अगर हो गया ना तो कॉपीराइट क्लेम डाल ही देने, और खासकर ये टी सीरीज़ वाले तो और भी ज़्यादा डाल देते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग बिल्कुल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और मैंने एक और गलती किया कि मैं भूल गया कि मैं गाने एपिडेमिक से डाल सकता था, तो मैं सिनेमैटिक्स ले सकता था उनके या फिर कोई शॉर्ट्स खाने वाने के, बट मैंने कहा यार कोई बात नहीं थोड़ा सा रेस्ट दे लेते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बोला था कि अभी थोड़ा इग्नोर करना, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, और एक ही हाथ में GoPro एक ही हाथ में कैमरा हैंडल नहीं कर सकते, फिर फोटो भी खींचना पड़ता है, फिर मैं जिस काम के लिए वो भी करना पड़ता है, अभी जो काम करने आया हूँ वो नहीं होगा तो फिर ये नहीं मिलेगा। I